again. सर जो ये मैंने पुलिस वेरिफिकेशन जो टच नहीं कर पाता उन पे हुमत कंसेप्शन का मिलता है जिसमें जमानत हो जाती है अगर कमर्शियल यूज का मिले किलो के हिसाब से मिले तो उन सप्लाई लाइन है उसकी जो वाली सप्लाई जो मेरे दिशा निर्देश हैं जो मेरी प्रायोरिटी हैं जो हरियाणा पुलिस को तो चुस्त दुरुस्त करने की जो मुहिम है उसमें अब मैं आज यहाँ तीसरी रेंज करनाल रेंज में आया हूँ और करनाल रेंज के आईजी साहब और एसपी साहब और दूसरे पानीपत और कैथल के एसपी और यहाँ के अधिकारियों से बातचीत की है तो इनको मैंने चार पांच मेन इश्यूज पे बातचीत इनको कहा है कि जिस पे हमें कंसंट्रेट करना है और उसको आगे बढ़ाना है सबसे पहली बात जो मैंने इनको कही है वो है पब्लिक के साथ अच्छा बर्ताव कोई भी आदमी चौकी पुलिस स्टेशन डीएसपी के दफ्तर एसपी के दफ्तर आईजी के दफ्तर आता है उसकी बात को सुना जाए कंप्लेनेंट को और उसके बात को सुनकर उस पर उचित कार्रवाई की जाए और उसी संबंध में एक हर पुलिस स्टेशन के बाहर करीब हमारे 300 पुलिस स्टेशन हैं और उसमें ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को छोड़ के बाकी जितने महिला पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट के दूसरे पुलिस स्टेशन हैं उनमें हम एक मित्र कक्ष बनाने जा रहे हैं जो कि थाने से बाहर होगा और वो हर उसका जो नक्शा होगा या जो बिल्डिंग होगी वो यूनिक बिल्डिंग होगी उसको अलग से बनाएंगे और उसमें जो भी आदमी को काम है वो पहले कंप्लेनेंट वहाँ आएगा उसकी बात को सुना जाएगा और वहाँ से जो एक्शनेबल चीज़ें हैं वो पुलिस स्टेशन में जाएंगी और जैसे छोटे वेरिफिकेशन है कोई पासपोर्ट वेरिफिकेशन है कोई करेक्टर वेरिफिकेशन है किसी ने लाइसेंस बनवाना है या इस तरीके की जो सर्विसेज के से मैटर है जो क्राइम से और लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड नहीं है वो इन मित्र कक्षों में किया जाएगा तो ये पंजाब में ऑलरेडी सांझ केंद्र के नाम से ये चल रहे हैं उसी को हरियाणा में हम करने जा रहे हैं और जल्दी जो है इसकी कार्रवाई शुरू कर देंगे और हम जल्दी इन मित्र कक्ष से जो पब्लिक है उसको ये सहूलतें देने जा रहे हैं इसके अलावा जो हमारी प्रायोरिटी है वो महिलाओं को सुरक्षा देने की है जो पिछले 1 मई से हम ऑपरेशन दुर्गा चला रहे हैं उसको पिछले संडे को हमने रिव्यू भी किया था और आज भी रोहतक रेंज में और आज करनाल रेंज में भी मेरी इनसे बात हुई है इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य जो हमारी लड़कियां स्टूडेंट्स महिलाएं जो स्कूलों में कॉलेजों में यूनिवर्सिटीज़ में या काम करने जाती हैं उनको एक सुरक्षा प्रदान करना हमारा दायित्व है उसके लिए मैंने जो महिला पुलिस स्टेशन है उनके साथ जो हमारे दूसरे डीएसपी और दूसरे पुलिस स्टेशन या सब डिविजनल ऑफिसर हैं उनको भी कहा है और रेंज आईजीज की मैंने ड्यूटी लगाई है कि ये इसको अच्छी तरह से मॉनिटर करेंगे और हम ये देखेंगे कि किसी आदमी को इस ऑपरेशन के दौरान कोई मुश्किल या उनको नजायज़ तौर से उनको तंग ना किया जा सके तीसरी बड़ी बात है वो ड्रग्स की है तो ड्रग्स के लिए भी स्पेशल कार्रवाई हम कर रहे हैं और उसमें हमारी कोशिश है कि स्कूल कॉलेजों में या यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे इन दवाओं का या नशीले पदार्थों का पर रोक लगाई जा सके इसके लिए जिला स्तर पे कार्रवाई हो रही है
और हेडक्वार्टर के स्तर पे एडीजी क्राइम के अधीन हम एक स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ बनाने जा रहे हैं, जो कि एक आईजी लेवल के अधिकारी के अधीन काम करेगी। उसको उसमें 2 SP और 4 DSP और 7 उनके सपोर्टिंग स्टाफ दिया जाएगा, जो कि ज़िले की जो ड्रग्स के खिलाफ मुहिम है उसमें इनकी मदद करेंगे। एसटीएफ भी हम जल्दी सरकार के पास प्रस्ताव भेज रहे हैं और प्रस्ताव के साथ हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इन यूनिट्स को शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही इलिसिट वेपन्स के बारे में भी काफ़ी शिकायतें मिलती रहती हैं, तो इलिसिट वेपन्स के अगेंस्ट भी कार्रवाई चल रही है, उसके भी रिजल्ट अच्छे आए हैं। इसके बाद जो मेजर बात है वो है ट्रैफिक वायलेशन की, जो सबसे दिक्कत है। रोड एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं, करनाल में भी आपने देखा होगा काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। तो फिलहाल हमारी जो कोशिश है वो शराब पी के जो लोग गाड़ी चलाते हैं नशे की हालत में और ओवर स्पीडिंग जो लोग करते हैं उनके ऊपर थोड़ा हमारा अधिक उनको उन पर नज़र रखेगी और उनके चलान वगैरह किए जाएंगे। इसके अलावा आईजी साहब से मेरी बात हुई है, जो ट्रक जो हैं वो हर लेन में चल रहे हैं तो उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो सबसे लेफ्ट वाली लेन है उसमें, जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा कि वो लोग लेफ्ट लेन में चलाते हैं, तो हरियाणा में जितने भी नेशनल हाईवेज़ हैं ख़ासतौर पर नेशनल हाईवे नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 8 जो मेजर जो हमारे और 10 नंबर जो है जो मेजर हमारे हाईवेज़ हैं उसमें हम कोशिश करेंगे कि ट्रक जो हैवी व्हीकल है वो तरीके से डिसिप्लिन से एक लेन में चलें। मुश्किल काम है लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि इस और रोड्स को सेफ किया जाए। इसके अलावा कुछ कई बारी गैंग्स की आपस में काफ़ी दिक्कतें सोसाइटी में आ रही है, कई किस्म के गैंग्स बन गए हैं जो कि तरह तरह से लोगों को परेशान भी करते हैं, उनके आपसी भी झगड़े कई चलते रहते हैं। पीछे करनाल में भी एक गैंगस्टर मारा गया था, तो वो गैंग्स को भी हम आइडेंटिफाई करके और उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं ताकि इनको इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों का नीचे के कर्मचारियों के साथ पुलिस लाइन के लेवल पे थाने के लेवल पे ये जाएंगे, उनकी जो समस्या हैं उसको सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि एक अच्छा पुलिस प्रशासन हरियाणा वासियों को दिया जा सके। इसके साथ ही हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि आपके सहयोग से, प्रेस के सहयोग से हमारी जो मुहिम है उस पे उसको सफल बनाया जाए और आपकी कोई भी जो सजेशन है उसको भी हम सुनने को, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम तैयार हैं। इस काम में समय लगेगा, ओवरनाइट अगर आप कहो कि लाइट ऑन कर दें और शुरू हो जाएगा इट विल, ये समय लगेगा, लेकिन हम सिंसियरली इन सभी बिंदुओं पे ईमानदारी के साथ और मेरे सारे अधिकारी काम करने को तैयार हैं। और भी कई इशू हैं लेकिन टाइम टू टाइम हम उस पर कार्रवाई करते रहेंगे। इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है पुलिस में पुलिस फोर्स की कमी होना, तो 15,000 पुलिस फोर्स की कमी है, तो उसके लिए एक बड़ी अड़चन थी कि हाई कोर्ट से स्टे हो रखा था तो वो 2 दिन पहले स्टे ख़त्म हो गया है, तो करीब 5,000 सिपाहियों की इंटरव्यू हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बड़ी जल्दी शुरू करने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि 30 जून तक हमें 5,000 सिपाही मिल जाएंगे और जल्द हम उनकी ट्रेनिंग करके उनको हम हरियाणा पुलिस के जो हमारी जो कार्य क्षेत्र है उसमें हम शामिल करेंगे। और इसके अलावा भी 10,000 जो अन्य हमारी पोस्टें हैं उसमें कांस्टेबल के साथ साथ सब इंस्पेक्टर DSP उनको भी भरने में हमने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है कि 30 अप्रैल 2018 तक इन सभी पदों को भर लिया जाएगा। इसके अलावा एक और कमी हमारे यहाँ क्लास फोर्स की रहती है पुलिस थाने पुलिस चौकियों में, तो उसके लिए भी सरकार ने विचार किया है क्लास 4 भर्ती करने का,
तो जो हमारी मैन पावर की कमी है, इसके अलावा करीब 40 पुलिस स्टेशन हमारे टेम्परेरी छोटी चौकियों में और किराए की बिल्डिंगों में चल रहे हैं, उसके बारे में भी हम पूरी तरह प्रयत्नशील हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 6 महीने में हम उन काफ़ी पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग बनाएंगे और अगले 1.5 साल में पुलिस स्टेशन में की नई बिल्डिंगें हम पुलिस को जहाँ जहाँ पे भी कमी है उसको देंगे। उसके अलावा घरों का ऐसा है कि जो मामले पुलिस की जाति के या इस किस्म के बिहेवियर के होंगे उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने ये भी आदेश दिया है कि अगर कोई पुलिस मैन ट्रैफिक के रूल्स भी वायलेट करता है उसके खिलाफ भी मैंने कहा कि उसकी जवाबी की। और एक शिकायत ये आ रही है कि पुलिस मैन पुलिस लाइन में जो है वो इंडी कनेक्शन से बिजली के पीछे आपको अखबार में पड़ा और कई जगह रेड भी पुलिस लाइन में, उसके बारे में भी मैंने सख्त आदेश दिए हैं कि पुलिस मैन अगर चोरी कर बिजली चोरी करता हुआ मिलेगा तो उसके खिलाफ जो बिजली बोर्ड कार्रवाई करता है वो करेगा, और अगर वो नहीं मानेगा तो उसके घर को कैंसिल करने की बात भी की गई है। तो ऐसे छोटे मोटे जो आप बात कर रहे हैं इस किस्म की शिकायतें आएंगी, लेकिन हम उसको सख्ती से भ्रष्टाचार को लेकर क्या पहल की जाएगी, क्योंकि आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस जो सरकार की नीति है वो हमारी भी नीति है। मैंने रोहतक में भी और यहाँ कंधार में भी कहा है कि किसी भी किस्म के कोई भी अगर शिकायत आएगी वो उसके खिलाफ सख्त कर पिछले कुछ दिनों से कहें बिकम ए न्यू ट्रेंड ऑफ सोसाइटी फेसबुक लाइव सोसाइटी टू इंसिडेंट इन योर सोनीपत विटनेस लास्ट वीक, क्योंकि किस तरह के मतलब एक ट्रेंड को आप देखते हो, क्राइम का एक नया तरीका है या मतलब सोसाइटी का एक ट्रेंड नया? ऐसा है कि देखिए टेक्नोलॉजी है, पहले लोग हाथ से लिख के चले जाते थे, अब लिखना लाइव सोसाइटी मतलब कितना ये अब नया, पहले साउथ इंडिया में ज़्यादा चलता था, हरियाणा में अब नया आया है। वो टेक्नोलॉजी की यूसेज तो हर चीज़ में आजकल हो रहा है, साइबर क्राइम का भी जैसे विषय है उसके बारे में भी हम साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पंचकूला में बनाने जा रहे हैं, तो हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी ख्याल कर रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन में भी हम लोग पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए गाड़ियाँ नई दिलाने की तरफ भी हमारा उनको कहा गया है की आप अच्छी तरह से उसकी स्टडी करते, क्योंकि वो ऐसा है की गैंग रोहतक का है, ऑपरेट जींद में करता है, जींद वाला कार में करता है, तो ऐसे काफी मिली जुली कार्रवाई करते हैं, तो हम उनका डाटा तैयार कर रहे हैं, तो जल्दी हम आपको बता दें। मतलब जो गैंग वाले हैं उनकी मतलब तैयार है, लेकिन वो आपस में उनसे उसको क्रॉस चेक करना है हर जिले से, क्योंकि आपके यहाँ कितनी वैसे बनी हुई है उनके पास, लेकिन क्योंकि अब जैसे पानीपत रोहतक से करनाल में आ गया है तो पानीपत वाला जो उधर इंफॉर्मेशन है वो इस साइड नहीं है, तो ये वाला मामला जो उस तरफ जो रोहतक और इधर कैथल से लेकर ऊपर की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि तो अम्बाला में ऐसी समस्या कम है, तो ये एरिया स्पेसिफिक दिक्कत है, तो इसके बारे में अलग से हम जैसे आपको बताया है तो हमने आज डिस्कशन की थी वहाँ पे गैंग्स के बारे में। तो कर सर आप 2.5 दशक से हरियाणा में, आपको भौगोलिक स्थिति भी सारी पता है, करनाल के पुलिस अधीक्षक के पद पर भी आप रह चुके हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है सीमा, ये जो उत्तर प्रदेश की सीमा है यहाँ से लेते हैं, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि क्राइम उधर के लोग आते हैं और करके चले जाते हैं, इसको लेकर क्या आपने कोई ऐसी योजना तैयार की है? क्योंकि हम यमुनानगर से शुरू होते हैं तो सोनीपत तक हमारे को ये यमुना के साथ साथ कर लिया है। देखिए हरियाणा की बड़ी अजीब वो है भौगोलिक स्थिति है, हरियाणा में सिर्फ एक रोहतक जिला ऐसा है जिसका इंटरस्टेट बॉर्डर नहीं है, वो चारों तरफ से हरियाणा से मिला रोहतक एक जिला है, बाकी जितने ज़िले हैं उनके सारे राजस्थान में पंजाब में दिल्ली कहीं यूपी, तो वो चारों तरफ से हम हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर हैं, और अब मोबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, गाड़ियाँ इतनी अच्छी आ गई हैं कि लोग एक जगह से क्राइम करके दूसरी जगह में इधर से उधर एकदम, जब तक इंफॉर्मेशन जाती है
तब तक लोग क्रॉस ओवर कर जाते हैं, लेकिन हमने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो यूपी का बॉर्डर है क्योंकि उस साइड थोड़ा आजकल प्रेशर ज़्यादा है, तो मैं इसी सिलसिले में मैं एक बार आपको भी पीछे आया था, हाँ तो वो भी किया था, मैं आगे भी उस तरफ भी मैं गया था, तो हमने डायरेक्शन हमने हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में बात करना चाहिए। सर जहाँ पर पुलिस एक अपनी सुरक्षा लोगों की सुरक्षा की बात करती है, वहाँ दूसरी ओर तस्करी के दौरान अक्सर देखा गया कि पुलिस को ही भारी पड़ जाता है अपनी सुरक्षा के लिए, सर इसके लिए पुलिस के लिए देखो पुलिस तैयार है, तो ऐसा है कि जो क्रिमिनल है वो भी पूरी ताकत के साथ आता है, तो हम भी तैयार हैं, तो उसमें तो आपस में कभी ना कभी तो सर बात हो जाती है, पुलिस को होता ही नहीं आदेश नहीं होता है, वो नहीं आदेश पूरा है, सीआरपीसी किसी को किसी का हाथ नहीं पकड़ती, हर आदमी को पुलिस ऑफिसर को सीआरपीसी एक्शन करने में कोई नहीं रोकता, कोई कोई मेरा रिटर्न आदेश नहीं लेना कि भाई ये एक्शन लेना है या ये एक्शन लेना है, मौके पे जो जरूरत है उसके लिए मैंने सभी अधिकारियों को कहा है कि इनके हर उचित काम के लिए मैं इनके साथ। सर ऐसा भी है कि योगी सरकार से आप फंक्शन रहेगी और ये कब तक सरकार के पास आएगी एसटीएफ की आपने बात एसटीएफ हमारे पास तैयार है, वो सरकार से इसके अप्रूवल लेकर जल्दी, मतलब उसमें आपने बताया कि आईजी में नेतृत्व में दो एसपी और चार डीएसपी, हां बाकी और रेंज में हो ये रेंज हर रेंज में, मतलब जो पुरानी रेंज है जो चार पहले यानी कि हमारी रेंज बहुत छोटी होगी, नहीं नहीं हम तो पुरानी वाली रेंज की बात कर रहे हैं। सर यूपी में सरकार बदलने के बाद काऊ स्मगलिंग के इंसिडेंट में आप राइस मान गए डिक्लाइन हुआ है, क्या ट्रेंड हुआ है? देखो केसेस तो कम नोटिस में है, क्योंकि उधर जब जाके उधर उधर कार्रवाई नहीं हो रही तो जाएगी क्या करने वहाँ पे, बस सर तो ये है ना खरीदार ही नहीं है, जब वहाँ वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही तो फिर ले क्यों जाएगा तू। सेकंड क्वेश्चन, अमिड योर क्लेम्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन पुलिस यू आर सिटिंग एन पोर्टल हर समय इज नॉट फंक्शनिंग फॉर द लास्ट वन वीक, नहीं चल नहीं रहा सर, ट्राई किया था चल नहीं रहा लास्ट वीक, अगर सिटीजन किसी को अपनी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए चलान वो करना है, नहीं करना स्पेसिफिक या हर समय ना वेबसाइट डाउन चलती है काफी ना, वो जिस उसमें प्रेशर नहीं है वो भी चेक हो जाता है, 8 या 10 लोग ही विजिट कर पाए हैं, लेकिन जो वेबसाइट है जो जिस स्ट्रक्चर में बनाई गई है वो काफी मतलब जो पुराना है या उसका स्पेस कम होता है जिस कारण अपडेट फास्ट करने की जरूरत है, लॉगिन करके जब उसको फुल नहीं करना है, पुलिस वेरिफिकेशन जो फीस है आपने कहा कि ड्रग्स के ऊपर अभियान चलाया जाएगा, सर अच्छी शुरुआत कर रहे हैं आप, लेकिन चाहेंगे अभियान सिरे तक चढ़ना चाहिए क्योंकि हर जिले में सर 2 या 3 ही लोग होते हैं जो पिछले कई सालों से ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, करनाल में भी ऐसे हैं और खास तौर पर ऐसे और जितने आपके गुप्तचर विभाग होते हैं उन सबको पता होता है कि कहां पर ड्रग्स बिक रहा है, करनाल का सदर बाजार का इलाका है, रामनगर का इलाका है, ऐसे यहाँ 3-4 लोग हैं जो खुलेआम ड्रग्स बेचते हैं, उनके आगे लोग हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जब पुलिस पकड़ने जाती है सर उनपे कमर्शियल यूज का ड्रग्स नहीं मिल पाता, उनपे ह्यूमन कंसप्शन का मिलता है जिसमें जमानत हो जाती है, अगर कमर्शियल यूज का मिले किलो के हिसाब से मिले तो उनको 10 साल एनडीपीएस के तहत अंदर जाना पड़ेगा। हमारी विशेष कोशिश रहेगी कि जो सप्लाई लाइन है उसकी जो सप्लाई करते हैं, जैसे हमने अभी 103 किलो गांजा पकड़ा रोहतक के अंदर, तो उसकी कहाँ से आ रहा है वहाँ तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे आदमियों को पकड़ने की बड़ी मछली पकड़ने का हमारा सर छोटे छोटे पूरे जिले में चला रहे हैं ना, उन्हीं से चलता है, उनको भी उनको छोड़ेंगे हाँ। उनको भी पकड़ेंगे, लेकिन हमारा ये मानना है कि सप्लाई लाइन को किसी तरीके से तोड़ा जाए सर, और गाड़ियाँ भी हम रिप्लेस, हमारी कोशिश है कि इस साल जितनी भी कंडम गाड़ियाँ हैं उनको रिप्लेस करेंगे, और आपकी एक और प्रोजेक्ट हम लाएंगे जो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, उसमें हम गाड़ियों को भी लार्ज स्केल पे लाने की नहीं बोल।